दोस्तों, बैंक एग्जाम कैफे के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में करंट अफेयर्स डेली पुस्टर नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। हम आपके लिए रोज करंट अफेयर्स का एक सेशन ला रहे हैं, उसमें रोजाना 10 या 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम करंट अफेयर्स का डेली पुस्टर नंबर 2 देखते हैं। मगर करंट अफेयर्स शुरू करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेगी और आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहोगे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो सहृदय धन्यवाद। तो चलिए हम आज का डेली बूस्टर नंबर 2 देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। करंट अफेयर्स डेली बूस्टर नंबर 2। दोस्तों, आज के एपिसोड का पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। हु वॉज अनाउंस्ड टू बी अवार्डेड द प्रेस्टिजियस 27th बिहारी अवार्ड गिवन बाय के बिरला फाउंडेशन ऑन मे 11, 2018 को के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला 27th बिहारी अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ए, विजय वर्मा। विजय वर्मा को 27th बिहारी अवार्ड देने की घोषणा की गई है। विजय वर्मा यह राजस्थान के लोककला मर्मज्ञ एवं लेखक है। उन्हें यह पुरस्कार उनके संग्रह लोकावलोकन के लिए दिया जाएगा। इस पुरस्कार के तहत उन्हें 2,00,000 रुपये प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। वर्ष 1911 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रारंभ किया गया यह बिहारी अवार्ड है। पहला पुरस्कार 1991 में कवि जयसिंह नीरज को उनके काव्य संग्रह ढानी के आदमी के लिए प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, व्हेन वर्ल्ड ल्यूपस डे इज सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड ल्यूपस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है? 9th मई को, 10th मई को, 11th मई को या 12th मई को? 10 मई 2018 को ल्यूपस डे मनाया जाता है। ल्यूपस बीमारी के बारे में जागरूकता करना यह उद्देश्य इस कार्यक्रम का होता है। यह बीमारी रूमेटोलॉजी का रूप है और ज़्यादातर महिलाएं इससे प्रभावित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिसेंटली इंडियन आर्मी कंक्लूडेड एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2018 विथ विच कंट्री? हरिमाऊ शक्ति 2018 यह संयुक्त अभ्यास किन दो देशों में हुआ था? उसमें तो एक देश इंडिया था, तो इंडिया के साथ कौन सा देश पार्टिसिपेट कर रहा था? तो इसका सही ऑप्शन है ए, मलेशिया। तो दोस्तों, भारत और मलेशियाई सहयोग के चलते संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हरिमाऊ शक्ति मलेशिया के हुलु लंगकट के घने जंगल में आयोजित किया था। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सशस्त्र बलों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना। यह अभ्यास पहली बार मलेशिया की धरती पर हुआ। यह ध्यान में रखना जरूरी है कि इस तरह का अभ्यास पहली बार मलेशिया की धरती पर हुआ था। ऑन विच डे द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2018 इज ऑब्जर्व? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2018 कौन से दिन मनाया गया? 11th में, 12th में, 15th में और 17th में? इसका सही ऑप्शन है बी, 12th में। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2018 12 मई को मनाया गया। हर साल के महीने के सेकंड सैटरडे को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जाता है। दोस्तों, यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि सेकंड सैटरडे, मई के हर सेकंड सैटरडे को यह दिन मनाया जाता है। और इस साल का
वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2018 का थीम था यूनिफाइंग अवर वॉइसेस टू बर्ड कॉन्जर्वेशन। तो यह तीसरा प्रश्न बन सकता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2018 का थीम क्या था। तो थीम यह थी कि यूनिफाइंग अवर वॉइसेस टू बर्ड कॉन्जर्वेशन। दोस्तों, इन मई 2018 ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म एटी कियर ने रिलीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडेक्स 2018 व्हाट इज इंडियाज पोजीशन। कंसल्टिंग फर्म एटी कियर ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडेक्स 2018 मई मंथ में रिलीज किया, उसमें भारत की पोजीशन क्या बनी रही, 10th पोजीशन, 11th पोजीशन, 9th पोजीशन या 8th पोजीशन। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है बी 11th पोजीशन रही फॉरेन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडेक्स 2018 में। इंडिया की पोजीशन 11th रही। इस इंडेक्स में 25 देशों का या 25 इकोनॉमी का अध्ययन किया जाता है। यूएसए ने लगातार छठी बार अव्वल स्थान प्राप्त किया, यानी पहले नंबर पे यूएसए 6 बार कंटिन्यूअसली लगातार रही और भारत का नंबर इस इंडेक्स में 11वां है, लेकिन पिछले साल भारत का नंबर 8वां था, इस साल वह 11वां हो गया है। तो अगला प्रश्न है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस 51st एनुअल मीटिंग ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB was organized from 3rd to 6th May 2018, ढाका, मनीला, टोकियो और न्यू दिल्ली। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी मनीला। 51st एनुअल मीटिंग ऑफ ADB दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक जो 3 से 6 मई 2018 में ऑर्गेनाइज की गई थी, वहाँ वो जो हुई थी वो मनीला में हुई थी, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक की 51st एनुअल मीटिंग 3 से 6 मई तक हुई थी। यह मीटिंग फिलीपाइंस के मनीला शहर में ऑर्गेनाइज की गई थी। इस मीटिंग के लिए जो इंडियन डेलीगेशन गया था उसके हेड श्री सुभाष चंद्र गर्ग थे और सुभाष चंद्र गर्ग यह सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, द वर्ल्ड सेकेंड ओल्डेस्ट रॉक हैज डिस्कवर्ड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। दुनिया का सेकेंड ओल्डेस्ट रॉक यह उड़ीसा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया गया, केंदुझार, नौपाड़ा, कटक या केंद्रपाड़ा। तो सही ऑप्शन है ए केंदुझार। अगला प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अक्रॉस द बेंच इनसाइट इनटू द इंडियन मिलिट्री जुडिशियल सिस्टम। Across the Bench, Insight into the Indian Military Judicial System, इस किताब के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है सचिन सिंह रावत, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान भूषण, तीसरा ऑप्शन है बिपिन रावत और चौथा ऑप्शन है बीरेंद्र सिंह धनोआ। तो इसका सही ऑप्शन है बी ज्ञान भूषण। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण ने यह किताब लिखी है। इस किताब का विमोचन जनरल बिपिन रावत द्वारा किया गया और इस किताब में इंडियन मिलिट्री जुडिशियरी सिस्टम के बारे में लिखा है और मिलिट्री जुडिशियर सिस्टम किस तरह फंक्शन करती है इसके बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 7th वुमेन साइंस कांग्रेस WSC इज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ मणिपुर। इम्फाल, लीलोंग, थाउबल और उकरुल। तो राइट ऑप्शन है इम्फाल। इम्फाल में 7th वुमेन साइंस कांग्रेस WSC का इनॉग्रेशन किया गया जो मणिपुर स्टेट में आता है। दोस्तों, वुमेन्स साइंस कांग्रेस का 7वां संस्करण वेस्ट बंगाल के गवर्नर द्वारा किया गया। वेस्ट बंगाल के गवर्नर है श्री केसरीनाथ त्रिपाठी। यह 105th इंडियन साइंस कांग्रेस का ही एक इवेंट था। इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 मार्च को किया गया था। अगला प्रश्न है, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन CWG गोल्ड मेडल इन वुमन सिंगल्स इवेंट। मौमा दास,
मनिका बत्रा, मधुरिका पाटकर या पूजा सहस्त्रबुद्धे। तो राइट ऑप्शन है बी मनिका बत्रा। मनिका बत्रा भारत की पहली महिला बनी जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस टूर्नामेंट सिंगल्स कैटेगरी में गोल्ड पदक प्राप्त किया। मनिका बत्रा यह 22 साल की है, उसने 21वें CWG गेम्स में महिला सिंगल्स में गोल्ड, महिला डबल्स में सिल्वर और मिक्स डबल्स में ब्रांज मेडल जीता तथा महिलाओं की टीम इवेंट में भी गोल्ड में पदक जीता। इस तरह से उसने 4 पदक पटकाए। अगला प्रश्न है हु हैज बिकम द इंडियाज यंगेस्ट एवर गोल्ड मेडलिस्ट एट द कॉमनवेल्थ गेम्स CWG। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का यंगेस्ट एवर गोल्ड मेडलिस्ट कौन बना? अंजुम मौदगिल, नीरज कुमार, दिव्या काकरन या अनिश भानवाल। तो सही ऑप्शन है डी अनिश भानवाला। अनिश भानवाला 15 साल की उम्र का है जो हरियाणा से बिलोंग करता है और अनिश ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्तौल की कैटेगरी में गोल्ड पदक प्राप्त किया। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई होगी तो ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। लाइक करने में आपको 1 सेकंड लगता है मगर यह हमें मोटिवेट करता है कि नई नए आइडियाज़ के साथ, नए वीडियोस के साथ आपके समक्ष आए। और लाइक की है तो फिर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना न भूलिए ताकि वे भी हमारे साथ जुड़ सकेंगे। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हो तो फिर से सहृदय धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।